आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति के ठेकेदार हैं और उन जातियों को बेचने वाले लोग लखनऊ में बैठे, और उनका उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा पोती। आरएसएस ने 98 साल में राष्ट्रीय स्तर पर तुम लोगों के हाथ में लाठी डंडे दे दिए दंगे कराने के लिए, तुम्हारे बच्चों के हाथ में क्या तुम रोक पाए? जो टीकर तिलक लगाए लड़ाई झगड़े पर उतारू है वो किसके बच्चे हैं भाई? जहाँ जाट रह रहे जाट के बच्चे हैं, जहाँ कुर्मी रह रहे कुर्मी के बच्चे हैं, जहाँ मौर्य रह रहे मौर्य के बच्चे हैं। ये मत सोचो पीछे क्या हुआ, ये सोचो अगले 50 साल में क्या करना है। जिस दिन कुर्मी में 50 आदमी निकल जाएंगे, महामना राम स्वरूप वर्मा जी को जिंदा रखेंगे, लेकिन उन 50 आदमी को आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र बांट के, हिस्सा बांट के घर घर जाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जो जाति बड़ी है, सामाजिक सद्भावना बनाने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर जाट क्षेत्र है तो सामाजिक सद्भावना हम बनाऊंगे, कुर्मियों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे, यादवों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे, मौर्यों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे। गालियां देनी बंद करो और साजिश रचनी शुरू करो। कि जो सोचने वाली जातियां हैं, अर्जक और अनर्जक, अर्जक वो जातियां हैं जो कमाने वाली जातियां हैं जो कमा के दूसरे का पेट भरती हैं, और अनर्जक वो जातियां हैं जो उसका सामान बेचती है और उसको धर्म और पाखंड के जाल में फंसा के रखना चाहती है। अब अर्जक को कैसे कब्जे में करना है, क्योंकि अगर उसके अंदर सारी चीज आ जाएगी तो जैसे जैसे उसके अंदर सारी चीज आ जाएगी तो वो लोकतंत्र में हिस्सा मांगने लगेगा और राजशाही और सत्ता में भी हिस्सा मांगने लगेगा। आप पिछले 98 साल पे गौर करें, जो खेतीहर जातियां हैं वो क्षेत्रवाज एक ही काम में है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, जो अर्जक जातियां। तो इस बदलाव को कैसे रोका जाए, जैसे 67 का बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में, एक पिछला मुख्यमंत्री बना जिसमें मामला राम स्वरूप वर्मा जी वित्त मंत्री बने और पहली बार बिना घाटे का बजट पेश किया, और उन्होंने अखबार वालों ने पूछा यह कैसे संभव हुआ, उन्होंने बताया कि किसान का बेटा देश और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है। हर जाति किसान है अर्जक संघ की, और हर जाति को अपनी व्यवस्था चलानी आती है। अगर कश्यप का गांव है तो उसको पता धोबी को भी हिस्सा देना, लुहार को भी हिस्सा देना, कुम्हार को भी हिस्सा देना। अगर मौर्य का गांव है उसको पता कि इन बाकी जातियों को भी हिस्सा देना। ये हमारे मजदूर नहीं थे, हमारे सहायक थे, अर्जक के सहायक थे, और अर्जक के सहायक अगर थे तो इनका कम्युनिकेशन था, ये एक जगह वोट भी कर सकते थे, ये एक जगह क्रांति भी ला सकते थे। उसको कैसे तोड़ा जाए, 80 के दशक तक जाति नाम की राजनीति में कोई चीज नहीं थे। दो ही वर्ग के साथ लड़ाई थी, जब वो चौधरी चरण सिंह की लड़ाई थी, चाहे राम स्वरूप वर्मा जी की लड़ाई थी, कि किसान और मजदूर के साथ अन्याय ना हो, और किसान और मजदूर कौन था, अर्जक। इस लड़ाई को मोड़ने के लिए जातिवाद के नारे गड़े गए, और जातिवाद के नारे गढ़ के आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति के ठेकेदार हैं और उन जातियों को बेचने वाले लोग लखनऊ में बैठ गए, चाहे वो मेरी जाति के ठेकेदार हो चाहे आपकी जाति के ठेकेदार हो, और उनका उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा पोती, राजनीतिक अस्थायित्व कायम करना चाहते हैं। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव चिन्हित हो चुके, इस जाति के आदमी को टिकट मिलेगा, पूरी विधानसभा चिन्हित है जिले वाइज, इस जाति के आदमी को टिकट मिलेगा। अगर आपकी जाति कम संख्या में है और आपके अंदर कितना भी अच्छा नेतृत्व है तो आपको मन महसूस के पूरी जिंदगी पार कर जानी पड़ेगी, आपको यह तय करना पड़ेगा इसका जिम्मेदार कौन। जिन लोगों ने आज, हम गाली किसको देते हैं कि हम पाखंडों से दूर रहे, आज हम पूरा दिन बाबा साहब के अनुयायी, चाहे कोई भी आदमी मंच पर खड़ा होता है और ब्राह्मणों को गालियां देने शुरू कर देता है, अरे भैया आप पहले भी उनकी नौकरी पे थे, आज भी उन्हीं की नौकरी पे हो, गाली देके भी आप उन्हीं का काम पूरा कर रहे हो, गाली देके आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे। आरएसएस ने 98 साल में राष्ट्रीय स्तर पर
तुम लोगों के हाथ में लाठी डंडे दे दिए दंगे कराने के लिए, तुम्हारे बच्चों के हाथ में क्या तुम रोक पाए? जो टीका तिलक लगाए लड़ाई झगड़े पर उतारू है वो किसके बच्चे हैं भाई? जहां जाट रह रहे हुए जाट के बच्चे हैं, जहां कुर्मी रह रहे हुए कुर्मी के बच्चे हैं, जहां मौर्य रह रहे हुए मौर्य के बच्चे हैं, जहां शाक्य रह रहे हुए शाक्य के बच्चे हैं, जहां कश्यप रह रहे हुए कश्यप के बच्चे हैं। जिस किताब को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे रामस्वरूप, उन लोगों ने अर्जक और अनर्जक को एक वर्ग संघर्ष के लिए तैयार करना चाह रहे थे वे लोग, और हम जातीय संघर्ष में आ गए। आजादी से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट थी, हमारे यहां चौधरी छोटू राम ने किसान और गैर किसान का तैयार किया, जिसको चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी ने आनंद लिया जिसका, और सर्वोच्च पदों पर पहुंचे उसी किसान संगठन के कारण, क्योंकि तब किसान के हाथ में अर्थव्यवस्था थी। अगर आपके खेत में अनाज पैदा होगा तो आपके गांव में रहने वाली 36 जातियां उस पर निर्भर थी। हमारे यहां बार्टर सिस्टम था कि इसका इतना अनाज इसके जाना, इसका इतना अनाज इसके जाना, इसका इतना अनाज। किसान के घर कम हो सकता था लेकिन मजदूर भूखा नहीं सो सकता था। उस वर्ग को तोड़ने के लिए जैसे पूंजीवाद आया हम लोग संभल नहीं पाए। जो अर्जक जातियां थी, जो किसान जातियां थी, वो पूंजीवाद से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। और आज उसी पूंजीवाद के साथ साथ आपके साथ जो साजिश रची गई वो रची गई जातीय सम्मान की। तमाम कुर्मी भाइयों को कहता हूं कि कुर्मी समाज की विफलता है कि वे अपने परिवार में जन्मे हुए राम स्वरूप वर्मा जी को इस पूरे हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी में स्थापित नहीं कर पाए। वीर सावरकर तो हो गए आइडियोलॉजी में स्थापित, आपने किए? आपने तो नहीं किए ना। आज अगर ये किसान परिवारों की जो 30-40 जातियां मैं इस देश में बता रहा, जिनकी जनसंख्या 60% है, अब तुम्हारे साथ जो आगे साजिश की जा रही है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे भाइयों को खड़ा किया जा रहा, उस साजिश से तुम कितने लोग जानते हो? रोहिणी आयोग आया, इस प्रदेश की 5-6 मुख्य जातियां हैं जिनकी आबादी 30% है, उसमें यादव है, कुर्मी है, जाट है, गुज्जर है, मौर्य है, इन पर आरोप लगाएगा रोहिणी आयोग के सारी नौकरी ये खा गए। रिजर्वेशन 27%, 25% तुम खा गए, अपना ही तो खाया, इतनी तुम्हारी हिस्सेदारी है, और तुम्हारे खिलाफ दूसरे लोगों को खड़ा कर दे, और तुम देखते रहना, आवाज इसलिए बंद रखोगे कि कहीं ऐसा ना हो जा कि मेरे क्षेत्र में वह दूसरी जाति मुझे वोट ना दे। तुम्हारे नेता की तो आवाज बंद इन जातियों के, ये मत सोचो पीछे क्या हुआ, ये सोचो अगले 50 साल में क्या करना है अर्जक जातियों को, कैसे अपना भाईचारा बताना, कैसे राज करना। राज चला गया, मायावती जी के सारे पैर छूने जाते थे, राज बहुत बड़ी चीज है। अब यहां पिछड़ों को पैर छूने पड़ रहे। हम लोगों के निजी स्वार्थ इतने घटिया स्तर पर उतर गए हैं कि हमने वर्ग संघर्ष को जातीय संघर्ष में बदलने का काम किया, और हमारे राजनीतिक नेतृत्व में बदलने का काम किया। जिस दिन कुर्मी में 50 आदमी निकल जाएंगे, 50, कि हां हम लोग महामना राम स्वरूप वर्मा जी को जिंदा रखेंगे, लेकिन उन 50 आदमी को आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र बांट के, हिस्सा बांट के घर घर जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। बामसेप में आदमी नौकरी छोड़ रहा और उनका कर्मचारी, क्या कुर्मियों में 50,000 एम्प्लॉय नहीं है? वे 50 कुर्मी नहीं पाल सकते? जहां जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो जाति बड़ी है, सामाजिक सद्भावना बनाने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर जाट क्षेत्र है तो सामाजिक सद्भावना हम बनाऊंगे, कुर्मियों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे, यादवों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे, मौर्यों का क्षेत्र है वे बनाऊंगे, शाक्य का क्षेत्र है वे बनाऊंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं बहुत बार यहां कई बार लोगों से मिल चुका, आज चौधरी चरण सिंह को कोई गाड़ी देगा तो जाट उसे दिल्ली में बैठने देंगे? बैठने देंगे क्या? हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। अगर केंद्र में कोई सरकार गलत कर रही
तो हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे उस जिम्मेदारी को निभा रहे या नहीं निभा रहे। तीन कृषि कानून में तुमने तो बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वापसी जरूरत पड़ी क्या तुम्हें? हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे सब जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम हैं। हमने 2011 में 5 मार्च से 23 मार्च तक लखनऊ कोई रेल नहीं आने दी। आई क्या कोई रेल लखनऊ 5 मार्च से 23 मार्च तक? मैं सर रख के लौट रहा था अमरोहा में और 50,000 पुलिस थी। हमने कह दिया जब समझौता हो जाएगा खाली कर देंगे। और 15 रेलवे ट्रैक बिना दंगे बिना लाठी लगे हमारे कब्जे में थे। अरे तुम किसान के बच्चे हो, सारे संसाधन तुम्हारे गांव से होकर गुजरते हैं, तुम्हारे बगैर कोई राज कर लेगा? इस अर्जक संघ की जातियों को जिस दिन इसके पढ़े लिखे को नौकरी पेशा को अकल आ जाएगी, कोई भी राज नहीं कर सकता। बहन जी चार बार मुख्यमंत्री रहेगी, सब पांच छूते थे। केवल 50,000 बाबा साहब के संविधान के लगे हुए कर्मचारी होंगे मुश्किल से। उन्होंने कहां पहुंचा दिया बहन जी को? जाटर जाति का हर कर्मचारी अपने संसाधनों को समर्पित करता था। भाइयों कुर्मी और कुर्मियों के क्षेत्र में समर्पित हो जाओ, जाट जातकों में हो जाओ, मराठे मराठों में हो जाओ, केवल 25-30 जातियां हैं देश की व्यवस्था बदलने के लिए। वे जो जातियां जिनको आप गाली देते हो मंचों पर खड़े होकर, वे जातियों को गाली देने की जरूरत नहीं। वे जातियां तो अगर सत्ता तुम्हारी होगी तो तुम्हारे कदमों में बैठी होगी, क्योंकि उन्हें उत्पादन नहीं करना, उन्हें उत्पादन हुए वे में तो हिस्सा चाहिए। तो जो उत्पादन है राज्य के अंदर, अब राज्य के अंदर जो उत्पादन है, जो टैक्स है, जिसका कलेक्शन उसके पास होगा, वे जातियां उसके पास आएगी। कल को मौर्य जी मुख्यमंत्री बन जाए, इनके पास ठाकुर साहब भी आ जाएंगे, पंडित जी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लाइन में खड़े होकर कहेंगे अग्जी लाओ मुझे कौन सा मंत्रालय दोगे, मुझे कौन सा दोगे? गलत कह रहा मैं? इसलिए अगर महामना रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को, अर्जक को जिंदा रखना है, कमाने खाने वालों को जिंदा रखना है, तो उनके विचारों को घर घर पहुंचाना होगा। यह हमारा संकल्प हो। बाबा साहब जो संविधान में लिख के चले गए वो कटने वाला नहीं है, काटने के प्रयास बहुत हो रहे हैं, प्रयास होंगे लेकिन वो कटने वाला नहीं। इसलिए भविष्य इस चीज में है। मैं तो कह रहा था मगर भाई कुर्मी इतने कमजोर हो गए क्या कि आज तक अर्जक संघ का एक ऐसा हेडक्वार्टर नहीं बना पाए कि वो नागपुर की तरह वहां हाजिरी लगने लगे लोगों की? इतना कमजोर है क्या कुर्मी? हमसे ज्यादा जमीन है आपके पास लैंड होल्डिंग, और जाटों से दुगुनी आबादी है। हमने बना दिया छोटूराम धाम, अगले 5 साल बाद आप देखोगे जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वहां मत्था टेक कर आना पड़ेगा, जुक्कर स्वर्ण मंदिर में टेकते हैं, जैसे लिंगात के यहां टेकते हैं, जैसे वो का लिंगा के यहां टेकते हैं। सुनते नहीं आप अमित शाह जी और मोदी जी गए लिंगात के मठ में जाकर आए, सुनते हो नहीं सुनते? वो का लिंगा के मठ में जाकर आए, सुनते हो नहीं सुनते हो? पटेलों के यहां सरदार धाम में जाकर आए, सुनते हो नहीं सुनते हो? अरे भाई एक रामस्वरूप वर्मा जी का अर्जक संघ का धाम बना लो, थारे पे कमी होगी हमें पकड़ लेना, कमी होगी हमें पकड़ लेना, मौर्य जी को पकड़ लेना, थोड़ा बहुत चाबी ये खोल देंगे ताला। कुर्मियों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र, हम तो 20-22 जिले में सिमट जा पड़ली तरफ, जहां हम खत्म होते हैं बरेली से तम शुरू हो जाओ, फिर कौन सा जिला है जिसमें कुर्मी नहीं है? बिहार का कौन सा जिला है जिसमें कुर्मी नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा जिला है जिसमें कुर्मी नहीं है? क्यों अपने आप को कमजोर मानने बैठे? तुम देश की सत्ता की दिशा बदल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा घर वाला आगे चलेगा तो पड़ोसी साथ चल देते हैं। तुम हो रामस्वरूप वर्मा जी के घर वाले लोग, और घर वालों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक जाति बदनाम हो चुकी। जाट जाट का जहां भी नाम ले वो ना, अब इस प्रदेश में कुर्मी राजनीतिक रूप से बदनाम नहीं है, यादव बदनाम हो चुका, जाट बदनाम हो चुका। देश के पिछड़ों को जोड़ने के लिए कुर्मी एक तो सहनशील बहुत है, बहुत अधिकारियों से हमारे यहां जितने अधिकारी गए बहुत मित्र हैं हमारे। आप लोगों की जिम्मेदारी है बड़ा वर्ग
रामस्वरूप वर्मा जी ने जातियां नहीं जोड़ी थी, उन्होंने एक वर्ग तैयार किया था, उस वर्ग को खड़ा करो, उनके नाम पे शपथ लेके यहाँ से जाना कि हम कोई ना कोई एक ऐसा धाम क्रिएट करेंगे अर्जक संघ का, जहाँ 5-7 हजार बच्चे फ्री पढ़ सके। अरे हम तो एक एकड़ में 1 किलो अनाज दे दे तो 10 हजार बच्चों को पढ़ा दें, सब खेती वाले हैं ना हम। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे भाइयों से निवेदन है, गालियां देनी बंद करो और साजिश रचनी शुरू करो। गालियां मत दो, साजिश अगले 50 साल में किसे अपने पाड़े में लड़ा और किसे बाहर करना, ये काम तो 50 आदमी कर देंगे पूरे प्रदेश में बैठ के, ज्यादा की जरूरत नहीं। किसी राजनीतिक दल के पास 50 आदमी हो मुझे बता दो, चलो नाम गिन के बता दो, इसके पास ये 50 खास है, जो पहले 50 है उनमें से 25-25 की टांग खींच रहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। समाज के लिए 50 समर्पित आदमी जिस दिन निकल जाएंगे, और मैं इसका उदाहरण हूं, मेरे घर में कोई BDC नहीं लड़ा, कोई प्रधान नहीं लड़ा, भाई साहब की तरह मैं भी फौज से आया 94 में, मैं एयरफोर्स में था और एक अच्छा व्यापारी था, अगर जाट समाज का काम ना करता तो आज देश के टॉप बिल्डरों में होता। जिस दिन मैंने ठानी मैं घर से निकला और मैंने इस देश को पंगू बनाने का काम किया अपने समाज के लिए बिना लाठी गोली, 2010 में पानी मैंने रोका, मैं बैठा था दिल्ली का पानी, आज लो रुका नहीं, कई राजनीतिक दलों ने भी रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं हमेशा गैर राजनीतिक रहा और आज भी गैर राजनीतिक हूं। मुझे बहुत पार्टियों के ऑफर आए, मैंने कहा मैं समाज के लिए काम करूंगा, शिक्षा पे काम करूंगा, और जब हमारा रिजर्वेशन 2014 में हो गया और अगर वो रिजर्वेशन 15 में कैंसिल ना हो, और हरियाणा में जो जाट आरक्षण के नाम पे दंगे हुए राजनीतिक दंगे थे, वो हमारा आंदोलन नहीं था, किसी को गलत फहमी हो वो वहां की दोनों राजनीतिक दलों ने चलवाया था मिलकर। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए 3 राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी थी, सपा बसपा और भाजपा, किसी को गलत फहमी हो कि बसपा के लोग उसमें शामिल नहीं थे, शामिल थे। मैंने दिल्ली TV पर बैठ के ये बात कही, इसलिए इन साजिशों से सावधान रहो, कौन किसकी राजनीति खत्म करने के लिए क्या साजिश रचता है। अपने लोगों को बचाओ, अपनी अगली पीढ़ी को बचाओ और 50 लोग तैयार हो जाओ। हमने 2014 में OBC सेवा संघ का गठन किया था और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने 25 जातियां चिन्हित कर रखी जिनकी जनसंख्या देश में 50% है, उनको संगठित करना ही उद्देश्य है, बाकी कहीं भागने की जरूरत नहीं, 25 इकट्ठे हो जाएंगे, 50% इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरी कोई बात गलत लगी हो, हर आदमी के अपने विचार होते हैं, मेरी कोई बात गलत लगी हो उसको क्षमा करना, मैं अपनी बात उसको वापिस ले लूं, क्योंकि सामाजिक एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हमारे लिए पहला वो धर्म है। जय हिंद, जय भारत और जय मामना रामस्वरूप वर्मा जी की, जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लगाने का काम किया। जय हिंद।